जींद की धरा से होगा जंग का ऐलान। हरियाणा सरकार के खिलाफ उसी के शिक्षक फूकेंगे जींद में जंग का बिगुल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ कल करेगा शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली। नई शिक्षा नीति मर्ज के बहाने स्कूल बंद करने, शिक्षा का निजीकरण करने का विरोध व पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रदेश भर में 5 जत्थे अलग अलग जिलों में प्रचार के लिए निकले हैं। नांगल चौधरी से चलकर भिवानी पहुँचे अध्यापक संघ के जत्थे के पदाधिकारी बोले, कहा नई पंचायतों व जनता का समर्थन जुटाकर सरकार के खिलाफ वह लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा सरकार पर लगा स्कूल व शिक्षा खत्म करने का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा पढ़े लिखे युवा सरकार से करते हैं सवाल, मांगते हैं रोजगार। रोजगार व सवालों से बचने के लिए सरकार शिक्षा व स्कूल खत्म कर रही है। हरियाणा सरकार ना लोकतंत्र और ना संविधान में विश्वास रखती है। हरियाणा अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र ढांडा सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने व उनके सवालों से बचने के लिए शिक्षा व स्कूलों को खत्म करना चाहती है। हर साल मर्ज के नाम पर हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब सरकार 5 किलोमीटर पर एक गांव में केवल एक स्कूल रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ऐसा नहीं होने देगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का कहना है कि हरियाणा सरकार किसी भी आंदोलन पर बात नहीं करती है, संविधान व लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो इस सरकार को उसी की भाषा में बात करेंगे। सेक्रेटरी स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे 5 जत्थे हरियाणा के 5 कोने से चल रहे हैं जन शिक्षा को बचाने के लिए, और ये काली शिक्षा नीति लागू करके इस देश की शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, नई पंचायतें चुन के आई हैं, हमें पंचायतों से भी बहुत समर्थन मिला है, लोग जागृत हो रहे हैं, और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसमें हम वोट की चोट हम भी मारेंगे और जनता हमारे साथ खड़ी है। ये काली शिक्षा नीति हम लागू नहीं होने देंगे। तो किस प्रकार का फैसला लिया जाएगा जींद रैली? जींद रैली का फैसला तो अभी नहीं सुनाएंगे, वहीं रैली में ही हम घोषणा करेंगे। ये जरूर बता देते हैं कि ये लड़ाई 2024 का चुनाव तक लगातार चलेगी, लोगों को जागृत करेंगे और लड़ाई आर पार की होगी। क्या लगता है कितने स्कूल बंद कर रही है सरकार? 4801 स्कूल तो इस साल बंद कर दिए, लड़कियों के स्कूल 8वीं तक के सभी बंद कर दिए, आगे भी एक स्कूल रखेंगे 5 किलोमीटर के दायरे में। मतलब इनका उद्देश्य यही है जो गरीब जनता है उसको शिक्षा से दूर करें, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार मांगेंगे, रोजगार नहीं देना चाहते। बच्चे शिक्षित होंगे तो सवाल जवाब करेंगे, इसलिए ये विचार को भी ख़त्म कर देना चाहते। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 29 दिसंबर को जो जींद के हुड्डा ग्राउंड में जो रैली करने जा रहा है, इस रैली की तैयारी के लिए पूरे प्रदेश में 5 जत्थे चले हुए हैं, और 5ों जत्थे हमारा जो जत्थे का जो नेतृत्व करे साथी धर्मेंद्र डांडा, हम नांगल चौधरी से चले थे, नांगल चौधरी चलकर भिवानी में आए हैं। इसके माध्यम से हमें सरकार जो सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है, बंद कर रही है, एक तो हम इसका विरोध करते हैं, और पुरानी पेंशन जो सरकार लागू नहीं कर रही, पुरानी पेंशन के लिए हमारी लड़ाई है। अगर ये जो 5 मुद्दे हैं, शिक्षा का मतलब शिक्षा का निजीकरण करना और पुरानी पेंशन लागू न करना और ये स्कूलों को जो कॉमन सिस्टम बना रही है, एक स्कूल बना रही है पूरे गांव में, इसका हम जींद के अंदर रैली के माध्यम से सरकार का विरोध करेंगे, और पूरे देश मतलब पूरे प्रदेश का अध्यापक इस रैली के प्रति भारी जोश है। हरियाणा सरकार की जो शिक्षा जो बर्बाद करी हरियाणा सरकार, और हमारा उद्देश्य भी है शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ, इस रैली के माध्यम से हमारा एजेंडा भी है, और हम सरकार को 29 दिसंबर को जींद के हुड्डा ग्राउंड में बताएंगे अगर आप जो स्कूलों को बंद करें, ये स्कूल इस प्रकार आसान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ बंद होने नहीं देगा। सरकार दबाव में आएगी,
देखिए जो सरकार पे जहाँ तक दबाव की बात है, वैसे तो सरकार बड़ी मतलब अधर्मिता पे अड़ी हुई है, कोई आंदोलन बात नहीं करती, मतलब लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, संविधान में विश्वास नहीं करती, लेकिन हमारा हौसला इस तरह से बुलंद है कि हम गाँव में गए, हमने कल रविवार के दिन लगभग 25 गाँव में जनसभाएँ की हैं, लोगों को पता ही नहीं कि सरकार इस प्रकार का काम कर रही है, हमने लोगों के बीच में जो एजेंडा रखा है सरकारी स्कूलों का, तो लोगों में भारी जोश है, लोगों ने भी हमारा समर्थन किया है, तो लोगों के साथ मिलकर हम ये समाज के लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीते भी गए। देखिए लोगों ने भी ये कहा है, हम तो लोगों के बीच में अपनी बात रखी, लेकिन लोगों ने कहा कि सरकार को अब की बार वोट की चोट जरूर मारेंगे और सरकार को वोट की चोट से हराएंगे और जो सरकारी स्कूलों को बंद करिए इसको बंद करने नहीं देंगे, लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। भाई दोस्तों जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।